अनामिका के बहुत लंबे बाल थे। उसे अपने लंबे बाल बहुत पसंद थे। वो अपने बालों का बहुत मुश्किल से ख्याल रखती थी। अनामिका की सासू माँ शारदा तेल लगाया करती थी और कंघी कर देती थी। सास बहू दोनों दोस्त जैसे थे। एक दिन एक महिला झड़े हुए बालों के बदले बर्तन बेचने वहां आती है। आओ आओ आओ, झड़े हुए बालों के बदले बर्तन ले जाओ, इस तरह से वो महिला जोर जोर से कहती है। उसकी आवाज सुन के अनामिका कहती है, अरे बर्तन बेचने वाली मौसी इधर आना। उसके बुलाने पे वो महिला अनामिका के पास जाती है। बीबी जी, झड़े हुए बाल है क्या? अनामिका हाँ बोल के अंदर जाती है और झड़े हुए बालों को अंदर से लाके उसके हाथ में दे देती है। झड़े बालों के बर्तन को देख के वो महिला कहती है, अरे बापरे, कितने सालों से आपने इकट्ठा किया है? ये तो बस एक हफ्तों का बाल है। यहाँ ऐसे बहुत से लोग आते हैं। हमारे यहाँ के ज्यादातर बर्तन झड़े हुए बालों से ही खरीदे हुए हैं। ऐसा कहकर अनामिका बर्तन दिखाती है। ये देखकर वो महिला आश्चर्य हो जाती है। अच्छा, इतने लंबे बाल है, दिखाना जरा, वो महिला कहती है। फिर अनामिका अपने लंबे बाल दिखाने लगती है। उसके बालों को देखकर वो आश्चर्य हो जाती है। अरे बाप रे, इतने लंबे बाल तो मैंने कभी नहीं देखा। बाल इतने लंबे होने में कितने वक्त लगे आपको? वो मुझे याद नहीं। चलो, जो बाल दिए हैं उससे मुझे बर्तन दे दो, अनामिका उस महिला से कहती है। वो महिला बड़े बड़े दो बर्तन अनामिका को देती है। उन बर्तनों को लेकर अनामिका घर के अंदर चली जाती है। फिर वो बर्तन वाली भी वहां से चली जाती है। अनामिका उन बर्तनों को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन सासू माँ अनामिका के पास आके कहती है, बेटा अनामिका, मेरे बड़े भाई की बेटी सुमति गांव आ रही है। बहुत दिनों के बाद मैं उसे देखूंगी, पर मैं काम से दूसरे गांव जा रही हूँ। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना और शिष्टाचार में कमी नहीं होने देना। सासू माँ की बातों पर अनामिका भी हाँ कह देती है। कुछ देर बाद सासू माँ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ही सुमति वहाँ पे आ जाती है। सुमति आते ही अनामिका के लंबे बालों को देखकर आश्चर्य हो जाती है। बाप रे बाप, भाभी, आपके बाल तो बड़े अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आए, सुमति कहती है। फिर अनामिका घर का काम काज करने जहाँ भी जाती है, सुमति उसके सामने आ जाती है और बस अनामिका के बालों को लेकर चर्चा करने में लग जाती है। उसकी ऐसी बातें सुनकर अनामिका परेशान हो जाती है और मनी मन कहने लगती है, हे भगवान, ये लड़की तो मेरे बालों पे नजर लगा के रहेगी, कहीं मेरे बाल ना झड़ने लगे, अनामिका सोचती है। फिर अगले दिन भी सुमति अनामिका के बालों के बारे में ही चर्चा करते रहती है। ये सुन के अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है। सुमति, तुम हमेशा यही बात क्यों करते रहती हो? ऐसे बार बार कहोगी तो तुम्हारी बुरी नजर मेरे बालों पे लग जाएंगे और मेरे सारे बाल झड़ जाएंगे। वैसे तुम्हारे बाल भी अच्छे हैं, ऐसा वो सुमति के बालों को पकड़ के कहती है। पर सुमति के बाल असल नहीं थे, वो विग था। जैसे ही वो उसके बालों को छूती है, वो विग अनामिका के हाथों में आ जाता है। ये देखकर अनामिका हैरान रह जाती है। सुमति रोते रोते अंदर चली जाती है। सुमति जाके शीशे के सामने बैठ के रोने लगती है। अनामिका वहाँ जाके सुमति के कंधे पे हाथ रख के कहती है, सुमति मत रो, ये सब कैसे हुआ? फिर सुमति रोते रोते सारी बातें बताती है। भाभी, कई साल पहले मुझे कैंसर हुआ, मेरे भी आप जैसे लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, उस वजह से मेरे सारे बाल झड़ गए। जिंदा रहने के लिए मुझे कई ट्रीटमेंट दिए गए, इस बारे में सभी को पता है, आपको नहीं पता क्योंकि आप इस घर में नई शादी होके आई हैं। अभी आपके जितने बड़े लंबे लंबे बाल हैं, वैसे ही पहले मेरे हुआ करते थे, शायद इसीलिए मैं आपके बालों को देखती हूँ नजर नहीं लगाती भाभी। इस तरह बहुत दुखी होकर सुमति कहती है। उसकी बातें सुनकर अनामिका को भी दुख होता है। अरे मुझे माफ कर दीजिएगा सुमति, मैंने आपके बारे में गलत सोचा, ऐसा कहकर वो उस बिग को सुमति के सर पे फिर से लगा देती है। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन अनामिका सुमति से कहती है, सुमति विग कहाँ मिलता है? भाभी,
जिस अस्पताल में मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी वही उपहार स्वरूप दिया गया था। कई लोग अपने बाल हम जैसे लोगों के लिए दान भी करते हैं, जिससे विग बनाया जाता है और गंजे लोगों के सर पे उसे अच्छे से फिक्स कर दिया जाता है। सुमति विस्तार से बताती है, एक बार आप मुझे वहाँ ले जा सकती हैं? सुमति पूछती है क्यों, पर वो कहती है कि बाद में बताएगी। उस दिन शाम के वक्त दोनों अस्पताल जाते हैं जहाँ सुमति की इलाज होती थी। वहाँ जाके वो डॉक्टर से मिलती है और अनामिका उनसे कहती है, मैं कैंसर पेशेंट्स के लिए अपने लंबे बाल डोनेट करना चाहती हूँ। अनामिका की ऐसी बातें सुनकर सुमति बहुत आश्चर्य होती है। डॉक्टर उससे बातें करते हैं, वो अंदर ले जाके अनामिका के सारे बाल काट के ले लेते हैं। अब अनामिका गंजी हो चुकी थी। भाभी, आपने अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दी? इसे फिर से लंबे होने में वक्त लगेंगे। वो तो सच है, पर कुछ ही महीनों में मेरे बाल फिर से निकल आएंगे, पर जिनके असल बाल नहीं है उन्हें मेरे बाल खुशी देगी। अनामिका की बातें सुनकर सुमति के आंखों में आंसू आ गए और वो उसे गले लगा ली। वो दोनों घर लौट जाते हैं। 3 दिनों के बाद सासू माँ घर लौट आती है। घर लौट के अनामिका को गंजा देखकर सासू माँ आश्चर्य हो जाती है। फिर अनामिका सासू माँ को सारी बातें विस्तारित रूप से बताती है। उसकी बातें सुनकर सासू माँ भी अपना बाल डोनेट करना चाहती है। उस दिन से सासू माँ और अनामिका हर 3 साल में एक बार सारे कैंसर पेशेंट्स को अपने बाल डोनेट करने लगते हैं। विष्णुपुर नाम का एक गांव था। वहां पे सास बहु शारदा अनामिका रहा करती थी। सड़क किनारे ही उनका एक बड़ा सा होटल था। होटल बहुत फेमस था। कई लोग वहां आके अपना भूख मिटाते थे, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोगों को सास बहु मुफ्त में खाना खिलाया करते थे। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन अनामिका के पति रमेश जल्दी जल्दी होटल में आते हैं। उसे देखकर अनामिका कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने हड़बड़ी में क्यों हैं? अनामिका के बातों पर रमेश जवाब देता है, अनामिका ये होटल नहीं रहेगा, वो कह रहे कि ये होटल रोड पे है, ऐसा होने पे व्यापारियों का नुकसान होगा। अरे फिर तो बहुत सारे व्यापारी अपना व्यापार खो देंगे। सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से लोग अपने व्यापार पे ही निर्भर करते हैं, अब क्या होगा? क्या कर सकते हैं, वो कह रहे कि हम सभी को कुछ ना कुछ मुआवजा मिलेगा। कोई पैसा नहीं, हम सभी को मिलके विद्रोह करना चाहिए, शारदा ऐसा कहती है। फिर इस विषय में वो जाके सभी लोगों के साथ चर्चा करते हैं और वो सभी लोग विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिन निकलते हैं। फिर एक दिन 2 आदमी मिलके एक जेसीबी ले आते हैं होटल के पास। वहां आकर वो कहने लगते हैं, कहा गया था खाली करने, फिर भी आप लोग क्यों हैं? इस बात को लेके वहाँ पे सभी एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगते हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम कई सालों से व्यापार कर रहे हैं, नई सड़क बनाने की यहाँ पे क्या जरूरत है, बस लॉरी सब कुछ यहाँ पे आराम से आ रहे हैं, सरकार की अनुमति के बिना आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? जमींदार बाबू अपने जन्मदिन के अवसर पर यहाँ हाईवे बनाना चाहते हैं, जो विरोध करेगा उसे सजा जरूर से मिलेगी। इस तरह चिल्ला के वो इंसान कहता है। अनामिका शारदा रमेश कोई भी उस बात के लिए तैयार नहीं थे। वहां बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। अधिकारियों को पता चलता है कि जो कुछ हुआ उसका कारण वही परिवार है। ये बात जाके वो जमींदार बाबू से कहते हैं। जमींदार बाबू बहुत गुस्से में कहते हैं, वो उस परिवार का अंत देख के रहेंगे। कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर जमींदार बाबू अनामिका के परिवार को धमकी देते हैं, अगर आप हमें धमकी देते हैं तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम पुलिस में कंप्लेन कराएंगे। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि पैसों के बलबूते आपको जो मन में आएगा वही करेंगे। कुछ ही दिनों में हम ये जमीन सरकार से खरीदने जा रहे हैं, समझे? इस तरह चिल्ला के कहती है अनामिका। ये सुनकर जमींदार बाबू कहते हैं, अच्छा ऐसे कैसे, मैं भी देखता हूँ। इस तरह से कह के जमींदार बाबू वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन से रोजाना उस परिवार को वो धमकाया करते थे। एक दिन रात के वक्त रमेश होटल में कुछ काम कर रहा था। अनामिका शारदा घर लौट जाती है। उस रात अनामिका शारदा रमेश का इंतजार करते रह गई, पर रमेश घर नहीं लौटा। उसके घर ना आने की वजह से वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं।
इस बीच जोरों की तूफान शुरू हो जाती है। इस वजह से उन्हें बाहर जाने का भी मौका नहीं मिलता है। वो दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन अनामिका शारदा दोनों सुबह सुबह होटल चले जाते हैं, पर होटल पूरी तरह से ध्वस्त था और रमेश को मृत पाया गया। ये देखकर शारदा अनामिका जोर जोर से रोने लगते हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगे कि इसके पीछे की वजह जमींदार बाबू है, पर उनकी तकलीफों का किसी को परवाह नहीं थी। कुछ दिनों के बाद वो व्यापारियों के क्षेत्रों को साफ कर देते हैं और वहीं पे रोड बनाना शुरू कर देते हैं। कई परिवार सड़क पे आ गए। किसी के बस में कुछ नहीं था, इसीलिए वो घर पर ही व्यापार करना शुरू कर देते हैं। अनामिका और शारदा ने भी वही किया। दिन निकल रहे थे। एक रात एक चोर दरवाजा तोड़ के उनके घर के सारे गहने और पैसे लूट के ले गए। उनके बहुत कोशिश के बावजूद वो चोर को पकड़ नहीं पाए। जब एक दिन घर पे कोई नहीं था, उस दिन जमींदार बाबू ने उनके घर को भी पूरी तरह से तोड़वा दिया। अनामिका शारदा जब घर लौट आते हैं, ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगते हैं। बेचारे, उनके सहायता के लिए भी कोई नहीं था। उसी गांव में वो भीख मांगने लगते हैं। उनका जीवन बहुत ही कष्टदायक हो गया। वो बहुत तकलीफ में थे। वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। किसी तरह वो जीवन काट रहे थे। दिन निकल रहे थे। एक दिन जमींदार बाबू उनके पास आकर कहने लगते हैं, जो मेरे साथ भिड़ने आएगा उसका यही होगा। उनकी इस तरह की बातें सुनकर अनामिका शारदा बहुत दुखी हो जाते हैं। ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, न्यायाधीश जरूर न्याय करेंगे। उनकी बातें सुनकर जमींदार बाबू जोर जोर से हंसते हैं और वहां से चले जाते हैं। वहां से लौटते वक्त जमींदार बाबू एक एक्सीडेंट का सामना करते हैं और वहीं पे उनकी जान चली जाती है। ये देखकर सास बहू को बहुत बुरा लगता है। सोच कर कि कोसने की वजह से ही शायद उनकी जान चली गई। सासू मां, बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं, ईश्वर ने ही न्याय किया है। इस तरह कहकर वो भी वहां से चले जाते हैं। उन्होंने अपनी गलत कर्मों की वजह से खुद ही जान गंवाई। पर जाते जाते अनामिका और शारदा के परिवार को उन्होंने गरीबी में धकेल दिया। उन दो स्त्रियों को दुख के अलावा और कुछ नहीं मिला।